हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आए मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। शहर में रात के समय घूमना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा आप रामचले पर हुए एक्सीडेंट पर से लगा सकते हैं। रात को हुई इस घटना में दोनों युवकों की मौत हो गई है। तहसील पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिली है कि रामचले पर तेज रफ्तार लग्जरी कार ने दोपहिया वाहन पर सवार युवकों को उड़ा दिया। इस हादसे में एक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस हादसे से परिसर में हड़कंप मच गया, नागरिकों की भीड़ जमा हो गई और कुछ समय के लिए तनाव का वातावरण बन गया। बताया जाता है कि कार महिला चला रही थी और देर रात पार्टी से घर लौट रही थी। मृतकों में नाल साहिब चौक निवासी मोहम्मद हुसैन गुलाम मुस्तफा और जाफर नगर निवासी मोहम्मद अतीक मोहम्मद जिया का समावेश है। पुलिस ने देशपांडे लेआउट निवासी रितिका और ऋतु दिनेश मालू और वर्धमान नगर निवासी माधुरी शिशिर साटा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिनांक 25 फेब्रुवारी 2024 रोजी मध्यरात्री 2 वाजताच्या सुमारास रामझुला ब्रिज न्यू हॉस्पिटलच्या समोर उतरताना एका मर्सिडीज गाडी नंबर MH 49 AS 61 या काळ्या रंगाच्या मर्सिडीज गाडीने MH 31Q 2948 हुंडा ॲक्टिवा गाडीवरून जात असणाऱ्या दोन युवकांना मागच्या बाजूने येऊन धडक देऊन अपघात झाला होता। त्यामध्ये एक युवक नामक मोहम्मद हुसैन गुलाब मुस्तफा राहणार नाल सबचौक याचा जागेवरच डेथ झाली होती, तर दुसरा इसम जो आहे मोहम्मद आतिफ मोहम्मद जिया राहणार जाफरनगर हा गंभीर जखमी झालेला होता। सदर प्रकरणी तहसील पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे, CR 122/2024। सदर प्रकरणात ज्या हुंडा मर्सिडीज गाडीमध्ये ज्या दोन महिला होत्या त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आलेली आहे। त्यांची गुन्ह्याच्या अनुषंगाने पुरावे घेण्याकरिता वैद्यकीय तपासणी केलेली आहे। सदर प्रकरणी जी गाडी चालवत होती त्यावेळेस महिला ऋतू दिनेश मालू व 39 वर्ष राहणार वर्धमान नगर यांना अटक करण्यात आली होती, त्यांना कोर्टात हजर केलेलं। गुन्ह्याच्या अनुषंगाने पुढील पुरावे गोळा करण्याचं काम चालू आहे। रात के समय अक्सर युवा वर्ग शहर में घूमने निकलते हैं। रात के समय घूमना कितना खतरनाक हो सकता है, यह इस घटना से नजर आता है। अक्सर पुरुषों पर शराब में गाड़ी ठीक से ना चलाकर एक्सीडेंट करने की घटनाएं सामने आती हैं। मगर इस घटना में इन दो महिलाओं ने भी अपना नाम इस कड़ी में छोड़ दिया है। फिलहाल रात के समय काम से लौटने वाले लोगों ने तेज रफ्तार में आने वाले वाहन से दूरी बनाना चाहिए, साथ ही अधिक रफ्तार और बेपरवाही से चलाने वाले वाहनों की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को देनी चाहिए ताकि इन जैसे घटनाओं पर काबू पाया जा सके। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।